हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एमसीक्यू एंड थ्योरी। स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करेंगे M2R4 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आउटलुक एक्सप्रेस। आप लोगों ने क्वेरी की थी सर, आउटलुक एक्सप्रेस के बारे में बताइए वो क्या होता है। ठीक है, बहुत ईजी डेफिनेशन से पढ़ेंगे आउटलुक एक्सप्रेस होता क्या। ठीक है, सबसे पहले तो आउटलुक एक्सप्रेस जो होता है वो यहाँ पे MS ऑफिस पैकेज का एक प्रोग्राम होता है। आप जानते हैं ना MS ऑफिस पैकेज क्या है। MS ऑफिस पैकेज जो MS कॉर प्रोसेसिंग का एक प्रोग्राम है, उसके अंदर जो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, जितने सारे प्रोग्राम आते हैं ना, उनमें से एक आउटलुक एक्सप्रेस भी होता है। यानी हम पहले इसमें लिखेंगे MS आउटलुक एक्सप्रेस MS ऑफिस पैकेज का एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, आप फर्स्ट लाइन में ऐसी चीज़ें लिखेंगे ना, तो एक जनरल जब जाँचेगा कॉपी तो उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, आउटलुक एक्सप्रेस की मदद से आप अपने स्मार्टफोन की तरह ही अपने ईमेल को आसानी से अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी डायरेक्ट सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अब आउटलुक एक्सप्रेस ध्यान दीजिए किस लिए होता है। आउटलुक एक्सप्रेस से मदद से आप अपने स्मार्टफोन की तरह ही अपने ईमेल को आसानी से अपने कंप्यूटर में, यानी अब ये ईमेल बोल रहा था, यानी आउटलुक एक्सप्रेस जो होता है वो ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए ही एक प्रोग्राम होता है। जैसे आप लोग अपने स्मार्टफोन में ईमेल को सेंड और रिसीव कर सकते हैं, वैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी डायरेक्ट ही आउटलुक एक्सप्रेस की मदद से सेंड और रिसीव ईमेल को कर सकते हैं। आपको बार बार इंटरनेट पर gmail.com या फिर yahoo.com जैसे ऑनलाइन ईमेल एप्लीकेशन की खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा आप आउटलुक स्पेस में लॉगिन कीजिए और वहाँ पे आप आराम से अपने ईमेल को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इसमें आपको सिंक्रोनाइजेशन का एडवांस फीचर भी मिलता है, जिससे आप रियल टाइम ईमेल रिसीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर रियल टाइम ईमेल रिसीव कर सकते हैं, बोल क्या बोलना, जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका मिला तो आप काम भी कर रहे हैं और आपका ईमेल आया, आपको ईमेल का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। रियल टाइम ईमेल रिसीव का ये मतलब होता है। ठीक है, आप कहीं भी काम कर रहे हैं उसी कंप्यूटर सिस्टम में, अगर कोई ईमेल आएगा आउटलुक में तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत दे देगा। ठीक है, ये इसका एक मेन फीचर होता है। दूसरा है, इसमें ईमेल को लाने के लिए मेल अकाउंट एवं आउटलुक एक्सप्रेस दोनों को जोड़ना होगा। जाहिर सी बात है, हमें हमारा जो मेल अकाउंट होगा उसको हमें आउटलुक एक्सप्रेस से जोड़ना होगा, तभी वो काम करेगा। ठीक है, इसमें मेल सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर में स्टोर होती है। इसमें जो मेल होती है ना, वो सर्वर से होके, सर्वर से ना स्टोर होकर सीधे जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है ना, उसमें स्टोर होती है। इसको खोलने का तरीका क्या है, देखिए, मान लीजिए स्टार्ट बटन और प्रोग्राम MS ऑफिस में क्लिक कीजिए, वहाँ पे आउटलुक एक्सप्रेस है। डायरेक्टली आप सर्च बार में सर्च कर सकते हैं आउटलुक एक्सप्रेस, तो वहाँ पे स्क्रीन में शो हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, जो आउटलुक एक्सप्रेस होता है MS ऑफिस पैकेज का एक प्रोग्राम होता है, जो कि मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए होता है। आप पहले ये लिखिए, आउटलुक एक्सप्रेस होता है इसे, यह मेल को सेंड और रिसीव करता है। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से इसकी डिफिनेशन बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। बस इतना आप जान लीजिए कि आउटलुक एक्सप्रेस होता क्या है। आउटलुक एक्सप्रेस जो होता है वो मेल को सेंड एंड रिसीव करता है, यानी एक प्रोग्राम होता है MS ऑफिस का जो मेल को सेंड एंड रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये इसकी डिफिनेशन है। ठीक है, इससे डिफिनेशन कोई बता ही नहीं सकता, बहुत ही डिफिनेशन है। आपने आउटलुक एक्सप्रेस का नाम सुना, आपके दिमाग में तुरंत आया कि हाँ, हमने सर ने बताया था कि आउटलुक एक्सप्रेस मेल रिसीव और सेंड करने के लिए होता है और ये MS ऑफिस का एक पैकेज होता है। बाकी आप डिफिनेशन लिख डालिए बना के, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं।